बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। टुडे इज वेडनेसडे एंड द डेट इज 22 अप्रैल 2020। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, उसमें हमारा आज का टॉपिक है 10.3 सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास मेड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। फॉर एग्जांपल आपके पास Na प्लस में होता है और Cl नेगेटिव में होता है, तो ये दोनों मिलके आपके पास NaCl एक सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, सॉल्ट्स क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। सेकेंड, सॉल्ट्स आर मेड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये आपके बुक के पेज नंबर 39 पे है। सॉल्ट्स आर द एनी कंपाउंड्स जनरली मेड अप न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेबल है 10.4 एसिड एंड देयर सॉल्ट्स। सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। पोटाशियम और नाइट्रिक एसिड मिलेगा, पोटाशियम नाइट्राइड बना देगा। जिंक मेटल आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाएगी। कैल्शियम फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा। देन आपके पास सिल्वर एसिडिक एसिड के साथ मिलकर सिल्वर एसिडेट बना देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब आप देखें घरों में जो आपके पास सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, छोटी छोटी क्रिस्टल्स होते हैं उनकी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास जो सॉल्ट्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। देन आपके पास क्या है? मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? वाटर को कंटेन करते हैं। उनके साथ इस तरह वाटर जो होता है वो कुछ मोल्स में क्या होता है? गिवन होता है। अगर आप अपने लेबोरेटरीज में देखें तो आपकी बॉटल्स के ऊपर कॉपर सल्फेट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो कि क्या करते हैं? इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को अटेन करते हैं। देन आपके पास क्या है? सॉल्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रिपरेशन। हमारे पास दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक आपके पास सोलेबल सॉल्ट्स होते हैं और एक इनसोलेबल होते हैं। किसमें? वाटर में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपके पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ दिस सोलेबल सॉल्ट्स। ठीक है, उसमें पहला रिएक्शन है आपके पास बाय रिएक्शन ऑफ द एसिड विद मेटल। ठीक है, आपके पास एसिड का हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में आपके पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये कैसे बनती है? फॉर एग्जाम्पल, एसिड आपके पास क्या है? HCl है। मैग्नीशियम आपके पास मेटल है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो एक सॉल्ट होता है। MgCl कोई सॉल्ट नहीं होता है, MgCl 2 होता है। जब यहाँ पे हमें क्लोरीन के साथ 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ 2 लगा देंगे। जब यहाँ से क्लोरीन 2 निकल जाएगी तो आपके पास पीछे क्या बची? H2, जो कि हाइड्रोजन गैस की सूरत में वहां से निकल जाएगी। ठीक है, सेकेंड आपके पास बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। वो कैसे? आपके पास हाइड्रोजन प्लस है, क्लोरीन नेगेटिव है, Na प्लस है, OH नेगेटिव है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी? इस OH के साथ मिलके वाटर बना देगी। ये Na इस Cl के साथ मिलके आपके पास सॉल्ट बना देगा, NaCl। ठीक, उसके बाद आपके पास है रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? किसी भी मेटल के साथ आपके पास ऑक्सीजन लगी हो, जैसे कि यहाँ पे कॉपर के साथ लगी हुई है, ये आपके पास क्या कहलाती है? मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे एसिड आपके पास है H2SO4 हाइड्रो, ये आपके पास प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है। ठीक है, कॉपर क्या करेगा? सल्फेट के साथ मिलेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बना देगा। ये H2O के साथ मिलेगी तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, होप यहां तक आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट है आपके पास बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता के पीछे बता चुकी हूँ कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3 नेगेटिव, और बाय कार्बोनेट्स होते हैं HCO3 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे उसने कार्बोनेट्स का है तो मतलब आपके पास क्या है? किसी भी कोई भी कार्बोनेट होगा जिसका आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे। यहाँ पे आपके पास एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो आपके पास Na2 2NaNO3 आपके पास एक सॉल्ट बन जाएगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम डिवाइड करेंगे CO में, ये आपके पास गैस आ जाएगी। ये जो ऑक्सीजन है इस 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, देन हमारे पास ये जो चार्ट थे ये आपके पास सोलेबल सॉल्ट्स के थे जो कि वाटर में सोलेबल होते हैं। देन आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ इनसोलेबल सॉल्ट। अब इनसोलेबल सॉल्ट क्या है? हम 2 सॉल्ट्स का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में भी 2 सॉल्ट्स आते हैं जिनमें से एक होता है इनसोलेबल और एक होता है सोलेबल सॉल्ट। अब Ag यहाँ पे आपके पास प्लस है, NO3 क्या है? नेगेटिव है।
यह है सिल्वर नाइट्राइड, यहाँ पे ये आपके पास सोडियम प्लस है, ये क्या है नेगेटिव है, तो NaNO3XOL बन जाएगा जो कि सोलेबल होता है और AgCl3 बन जाएगा जो कि इनसोलेबल होता है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे सोडियम प्लस है, कार्बोन नेगेटिव है, कॉपर प्लस है, सल्फेट क्या है नेगेटिव है, तो कॉपर प्लस क्या करेगा इसके नेगेटिव के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बना देगा और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट बन जाएगा जो कि सोलेबल सॉल्ट है। ठीक है, और ये आपके पास बुक के पेज नंबर पे सॉल्ट्स हैं, पेज नंबर 30 से लेके पेज नंबर 38, 39 और 40 यहाँ तक आपके पास आ रहे हैं।